भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। जातीय रंजिश या कारोबारी विवाद, कारण जो भी हो लेकिन एक पूर्व फौजी का परिवार तबाह हो गया। एक बीएसएफ जवान जो सरहद पर सुरक्षा में तैनात थे, उनका परिवार तबाह हो गया। यह घटना है बिहार के मधुबनी जिले की, जहां बीते 29 मार्च को 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस जघन्य हत्याकांड में जान गंवाने वाले पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह का परिवार के लोग हैं, जिनमें उनके भतीजे राणा प्रताप सिंह जो बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे वो भी शामिल हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि तालाब में मछली मारने को लेकर विवाद चल रहा था, उसी विवाद को लेकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह के बेटे मछली का कारोबार करते थे, कई जगहों पर उन्होंने तालाब भी ले रखे थे। इसी कारोबार से उनकी ये रंजिश इलाके के ही एक शख्स प्रवीण झा और उनके साथियों के साथ शुरू हो गई। मछली के कारोबार में लगातार दोनों पक्ष में तनाव बढ़ता जा रहा था। 29 मार्च को जो है मोहम्मदपुर गांव में के रहने वाले पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह का परिवार होली खेल रहा था, तभी अचानक से गांव में ही उन्हें जो है हथियारबंद लोगों ने घेर लिया। ये लोग बताए जा रहे हैं प्रवीण झा और उनके जो साथी थे, उनके गुर्गे थे, उन लोगों ने हथियारों के साथ इनके परिवार को घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। घटना के बाद पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि काफ़ी लापरवाही बरतने की बात बताई जा रही है। पहली बात तो ये कि पुलिस जो है घटनास्थल पर घंटों बाद पहुंची, जिनमें लोगों में पुलिस के प्रति काफ़ी आक्रोश भी है। दूसरी तरफ जो है इस मामले को लेकर ये भी टीका टिप्पणी की जा रही है कि ये जातीय हिंसा हो सकती है, लेकिन पुलिस इस थ्योरी को खारिज कर चुकी है और आरोपियों के खिलाफ वो कार्रवाई कर रही है। बता रही है कि इस में कई जात के लोग शामिल हैं, इसलिए ये जातीय हिंसा नहीं है। अरे इस काम तो काफ़ी दुखद घटना है, आपको तो मालूम है जो विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है पुलिस प्रशासन तरफ से, हम लोग सभी बिंदु पर कार्रवाई कर रहे हैं। 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जो भी न्यायिक हिरासत में है। मामला न्यायालय द्वारा वारंट इश्तेहार उनकी अधिपत प्राप्त हो चुकी है और उनका अनुपालन सख्ती से किया जा रहा है। इश्तेहार चिपका दिया गया है, यह आपको मालूम होगा, और कुर्की की प्रक्रिया आज से नियमानुसार जो विधि सम्मत है कुर्की की प्रक्रिया आज से प्रारंभ कर दी गई। सभी जो मेरे पास जो तकनीकी सेल है वो भी पता कर रहे हैं। एक टीम बना हुआ है, SIT टीम गठन किया गया है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश का लोक में, और उनके द्वारा आदेशित टीम गठन किया गया है। वह टीम सतत रात दिन प्रयत्नशील है कि अभियुक्त को हम लोग किसी भी स्थिति में गिरफ्तार करेंगे, और गिरफ्तार जब तक नहीं हो पा रहा है उससे पहले हम लोग पूरी जब तक प्रक्रिया विधि सम्मत करें। इस पूरे घटना में बीएसएफ के जवान मृतक राणा प्रताप सिंह जो बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे, उनके घर में जो है वो तबाही का आलम देखने को मिल रहा है। उनकी 4 बेटियां हैं और 2 छोटे छोटे बेटे हैं। घटना के बाद बेटियों और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक जवान बेटियों का अफसोस सुन आपका कलेजा पिघल जाएगा। उनका कहना है कि उनके पिता बॉर्डर पर नहीं मरे हैं, यदि बॉर्डर पर वो उनकी मौत होती तो उन्हें कम से कम शहीद का दर्जा तो हासिल होता। कुछ नहीं, मतलब वो गोली चलाना, फिर हम लोग गए उधर, तब वो लोग मार के जा चुका था सबको। कितने आदमी थे? वो लोग 30-40 आदमी थे। रुला देते हम लोग इतना सारा, आंसू भी सूख गया हम लोग का, इतना दिन से 7 दिन से रोते रोते। सब लोग आते हैं चले जाते हैं फिर से। तो क्या एक्सेप्टेशन क्या है सरकार से, क्या चाहती हो, जो कि किस तरह से सरकार से चाहते हैं? हमारे भाई सब छोटा छोटा, वो सबको पढ़ाने लिखाने के लिए कुछ दे, हम लोग के फ्यूचर के लिए कुछ करे, और हम लोग को खून के बदला खून चाहिए। जैसे मेरे पापा तरफ तरफ के मरे ना, उस सबको उससे भी बदतर मौत मिलनी चाहिए। और नहीं, अगर ऐसा नहीं हो पाता है सरकार से, तो हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम लोगों को भी गोली मार दे, सब लोग यहीं पर रह जाएंगे, पापा के साथ ही चले जाएंगे। कोई जीने का मकसद नहीं है अब हम लोगों का, कोई नहीं है। हम लोग 4 में है ना, 2 भाई कहाँ से रहेंगे घर में, कोई एक भी है, मेरा भाई सब छोटा छोटा है।
क्या करेगी मेरी माँ, एक पापा ही तो थे। इस मामले में बताया जा रहा है कि अब से 8 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। इस मामले का जो मुख्य आरोपी है जो है वो अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर बताया जा रहा है। जो प्रवीण झा है उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो एक रावण सेना नाम का संगठन भी संचालित करता था और उस पर ही सबकी नज़रें हैं। पुलिस ने उसके घर की कुर्की भी की है, लेकिन जिस तरीके से जो देश के को सेवाएं दे चुके लोग हैं, पूर्व सैनिक हैं या फिर BSF के सर्विंग सब इंस्पेक्टर थे, इस तरह के लोगों के भी परिवार को अगर आम लोग मैं अपने कारोबारी रंजिश में निशाना बनाते हैं तो वाकई किसी को भी सुनकर ऐसी घटनाओं को लेकर जो है वो दुख होता है। लोगों में आक्रोश भी है, लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में जो सिस्टम है वो इतनी तेज़ी से काम करे कि कम से कम पूर्व सैनिक के परिवार को इंसाफ दिलाया जा सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। जय हिंद। न्यूज तक को बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल कैटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी।